हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप हायर मैथमेटिक्स के साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने बता दूं कि मैं परमुटेशन ग्रुप के बारे में आज आपके साथ में बात करूंगा, और इससे पहले मैंने ग्रुप थ्योरी पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो यहाँ पे आई टेब है, यहाँ पे जाके आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वेक्टर स्पेस एंड बेसिस डायमेंशन, और ये पूरा लीनियर अलजेब्रा वाला टॉपिक है। प्लस कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लाइक एग्जाम है अभी, तो उनके काफ़ी स्टूडेंट के मैसेजेस थे, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वन डायमेंशनल हीट एंड वेव एंड लाप्लास इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ये टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगा, बट लाइक वन बाय वन ये टॉपिक आ रहा है, और अब आपको हर दो से तीन दिन में मेरे यहाँ पे वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो देखिए स्टूडेंट, परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन होता क्या है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आज इंट्रोडक्शन क्लास ले रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा आपको फील आए कि ये टॉपिक होता क्या है, राइट। सो अ परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट एस इज बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू इटसेल्फ। स्टूडेंट, एक सेट है उसका खुद से खुद के साथ बाइजेक्शन, लाइक द बाइजेक्शन का मतलब होता है वन वन एंड ऑनटो, है ना। स्टूडेंट, वन वन और ऑनटो होता क्या है, एक बार अपन वन बाय वन बात करते हैं। लाइक जैसे अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट वन ही एलिमेंट है ना, मैं यह लेता हूं, अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट ही है ना, एक ही एलिमेंट है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास एस है और ये हमारे पास एस है, तो ये एक एलिमेंट खुद का खुद से चला जाएगा, राइट। तो हमारे पास यहाँ आएगा, इस परमुटेशन में एक ही एलिमेंट आएगा, राइट। अगर हम बात करें सेट के अंदर दो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे परमुटेशन क्या क्या बनेंगे स्टूडेंट, वन वन ऑनटो मैपिंग क्या बनेगी, वन टू वन टू, है ना। क्या हो सकता है स्टूडेंट, या तो वन वन पे जाए, है ना, या तो वन वन पे जाए, टू टू पे जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वन टू पे जाए और टू वन पे जाए, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एक तो वन वन पे जाए और टू टू पे जाए, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसको हम वन ही बोलेंगे, दैट इज आइडेंटिटी मैप बोलेंगे, है ना। और एक हमारे पास आएगा वन और टू, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, दो एलिमेंट आएंगे सेट के अंदर, है ना। तो ये परमुटेशन होता है, परमुटेशन का मतलब होता है कि सेट को सेट के साथ वन वन और ऑन टू मैपिंग जो एलिमेंट कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट करना, है ना। वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वन वन और ऑन टू होता है। स्टूडेंट यहाँ पे एस वन है, एस टू है, एस थ्री है, एस फोर है, एस फाइव है, इस पे आईआईटी जैम और सीएसआरनेट पे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बट मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि बीएससी और एमएससी पे जो थ्योरिटिकल एग्जाम है उसके लिए है, प्लस आप जो स्टूडेंट आईआईटी जैम और सीएसआरनेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, राइट। हाँ जी, अब ये मत सोचने लग जाना सर है तो आईआईटी जैम और सीएसआरनेट के लिए बहुत बिलो लेवल है सर, आप तो बहुत बेसिक, अरे भैया ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाँ, समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनता है, वन और एस के अंदर जो वन वन मैपिंग होती है, ऑन टू मैपिंग होती है, उसका जो सेट होता है वो हमारे पास क्या होता है, परमुटेशन होता है ना। तो क्या होता है, परमुटेशन ऑफ फाइनाइट सेट एस इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एस टू इटसेल्फ। नोटेशन, एस बी द फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट, लाइक इस टाइप से हमारे पास एन एलिमेंट है, ए वन ए टू ए एन, राइट। देन द परमुटेशन ऑफ, स्टूडेंट परमुटेशन को कैसे दिखाएंगे हम, ये दिखाएंगे, देखो ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए एन, ये इस तरह से हमारे पास एलिमेंट है, तो इसकी जो मैपिंग है ना वो क्या आएगा, एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री, एफ ए एन, तो इसका जो सेट होगा ना, जो जिसके सामने आ रहा है वो उसके सामने लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बोला, अभी मैंने आपको बोला कि मैंने बोला यहाँ पे ये वन और ये वन टू है और ये वन टू है, राइट। तो मैंने बोला वन वन पे जा रहा है, टू टू पे जा रहा है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, वन वन पे जा रहा है, टू टू पे जा रहा है, और दूसरा क्या होगा स्टूडेंट, एक जा सकता है वन टू पे जाए, टू वन पे जाए, तो इसको कैसे दिखाएंगे, वन टू, ये आएगा टू एंड वन, है ना। तो एक परमुटेशन ये होगा, एक ये होगा, क्लियर है। तो मतलब जो एलिमेंट है उसके साथ उसकी इमेज, है ना, उसको साथ साथ लिखना है एक इस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, राइट। लेट एस बी द वन टू थ्री फोर, है ना, ये वन टू थ्री फोर है ना। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एफ एस टू एस जा रहा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वन टू पे जा रहा है, टू थ्री पे जा रहा है, थ्री फोर पे जा रहा है, और फोर वन पे जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो क्या हो रहा है, वन टू पे जा रहा है, टू थ्री पे जा रहा है, थ्री फोर पे जा रहा है, एंड फोर वन पे जा रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं ना, इसकी इमेज यहाँ आ रही, इसकी इमेज यहाँ आ रही, इसकी इमेज यहाँ आ रही, इसकी इमेज आ रही, इस तरह से इसको लिखा जाता है, राइट। ये इसको यहाँ पे लिखा जाता है ना, एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर, और उसकी इमेज क्या हो रही, वन एफ वन की इमेज क्या है, टू है, एफ टू की वैल्यू क्या है, थ्री है ना, एफ थ्री की वैल्यू क्या है, फोर है, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट इक्वलिटी ऑफ टू परमुटेशन, दो परमुटेशन की इक्वलिटी के बारे में क्या होता है, इफ एफ एंड जी विद द टू परमुटेशन देन दे आर कॉल्ड लाइक इक्वल इफ एंड ऑनली इफ एफ इज इक्वल टू जी है। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए, जी है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, मतलब सभी ए के लिए अगर ये बराबर आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन बोलते हैं। लाइक इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस अंडर द बोथ एफ एंड जी आर इक्वल। अब होता क्या, आप समझो मेरी बात, मैं आपके सामने समझाता हूँ। जैसे इधर देखो आप, वन टू है, ये टू पे जा रहा है और ये वन पे जा रहा है। अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कैसे लिख दूँ, टू वन है, ये मैं वन पे जा रहा और ये टू पे जा रहा है। अरे भाई बात बराबर है ना यार, वन की इमेज यहाँ भी टू आ रही है, वन की इमेज यहाँ भी टू आ रही है ना, टू की इमेज यहाँ भी वन आ रही है, टू की इमेज यहाँ भी, तो ये दोनों क्या हो गए, ये बस उसको आगे पीछे कर रखा है, पर अल्टीमेटली इमेज तो सेम ही आ रही है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है।
जिसे यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है, वन, ये दे रखा 1 3 2 4 3 2 4 1 और ये दे रखा 4 1 2 4 3 2 1 3। अब देखो, वन की इमेज 3 आ रही, यहाँ भी वन की इमेज 3 आ रही, इसमें 2 की इमेज 4 आ रही, यहाँ भी 2 की इमेज 4 आ रही, इसमें 3 की इमेज 2 आ रही, यहाँ भी 3 की इमेज 4 की 1, तो भैया दोनों इक्वल है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वल हो गए। स्टूडेंट बात करते हैं आइडेंटिटी परमोशन परमोटेशन। स्टूडेंट आइडेंटिटी परमोटेशन का मतलब होता है सेम इमेज सेम एलिमेंट सेम पे जाए, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बोलूँ कि 1 2 है, तो 1 1 पे जा रहा हूँ, 2 2 पे जा रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी परमोटेशन होगा, राइट। द एस बी द फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट, देन अ परमोटेशन एफ इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमोटेशन इफ इमेज खुद पे जाए, क्लियर, एफ ए इज इक्वल टू ए हो जाए, है ना। एग्जाम्पल देखो, एस ए वन ए टू एन दे रखा है, तो इसकी इमेज क्या जाएगा, ए वन एफ ए वन पे चला जाए, ए टू एफ ए टू पे चला जाए, गेटिंग माई पॉइंट अराउंड, एफ ए एफ ए एन पे चला जाए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी परमोटेशन हो जाएगा, राइट। जैसे 1 1 पे जा रहा, 2 2 पे जा रहा, 3 3 पे जा रहा, 4 4 पे जा रहा, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमोटेशन। इसमें बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमोटेशन, दो परमोटेशन का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, इफ एफ एन जी आर द परमोटेशन ऑफ ऑफ ए, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू परमोटेशन इज ऑल्सो ए कंपोजिशन ऑफ अ परमोटेशन। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या मतलब होता है, यहाँ पे कंपोजिशन होता है, मतलब ऑपरेशन, तो एफ ओ एफ इंटू जी इंटू एक्स, तो इसको लिखते हैं एफ ओ जी एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ऐसा हम लिखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इसका ट्रिक समझाऊंगा कैसे हम शॉर्ट में करते हैं, बट एक थोड़ा लॉन्ग कंसेप्ट भी समझ लीजिए कि होता गया है, राइट। ये एफ दे रखा है 1 2 1 2 2 3 3 4 4 1 और ये दे रखा 1 3 2 4, ये आपको एफ और जी दे रखा, और आप उनको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना, आपको निकालना एफ डॉट जी एंड जी डॉट एफ, राइट। तो कैसे निकालते हैं, इस पर मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एफ ऑफ एफ डॉट जी एक्स को लिख सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ जी एक्स लिखते हैं, राइट। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम वन एलिमेंट की इमेज की बात करते हैं ना, तो वन की बात करते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट, एफ ओ जी एक्स, स्टूडेंट क्या होगा, एफ ऑफ जी वन एक्स। अब देखो जी वन, स्टूडेंट जी वन की इमेज क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो जहां पर भी जी वन है वहां क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। स्टूडेंट एफ थ्री, एफ थ्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब 1 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, है ना। इसका मतलब प्रोडक्ट जो होगा, अगर हम बात करें एफ डॉट जी की, क्या बात करें हम, एफ डॉट जी की बात करें, है ना, तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4, तो 1 किस पे जाएगा स्टूडेंट, 1 की इमेज क्या होगी, 4 होगी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब बात करते हैं 2 की, स्टूडेंट 2 की बात करते हैं, क्या होगा, जी 2 हो जाएगा, है ना। अब जी 2, स्टूडेंट जी 2, जी 2 किस पे जा रहा, 4 पे जा रहा, तो यहाँ हो जाएगा एफ 4, स्टूडेंट एफ 4 की वैल्यू किसके बराबर, 1 के बराबर आ रही है ना, तो ये कहाँ जाएगा स्टूडेंट, ये 1 पे चला जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम 3 की, स्टूडेंट क्या करेंगे हम 3 की बात करेंगे, तो क्या आएगा, एफ ऑफ जी 3, है ना। तो सबसे पहले हम जी थ्री की बात करें, तो स्टूडेंट क्या होगा, एफ ऑफ जी 3 हो जाएगा ये। स्टूडेंट जी 3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, जी 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ 2, और एफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, स्टूडेंट 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो ये स्टूडेंट कहाँ चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, तो 2 कहाँ चला, 4 कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो ये इसका कंसेप्ट आता है, इस तरीके से हम निकालते हैं, पर इसमें ये बहुत थोड़ा लंबा मेथड होता है, तो यहाँ पे इसकी ट्रिक समझने की कोशिश करें, इसको ट्रिक से समझाता हूँ मैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको ट्रिक से करते हैं, है ना, तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, ये आप समझने की कोशिश कर, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, है ना, यहाँ समझाता हूँ। स्टूडेंट अगर आपको एफ डॉट जी निकालना है, क्या निकालना है, एफ डॉट जी निकालना है, क्लियर है, एफ डॉट जी निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान देना, देखो 1 2 3 4 तो लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 तो लिख दीजिए। अब देखो 1 की इमेज कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है ना, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा, और 3 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है ना। इसका मतलब 1 किस पे जाएगा, सीधा 4 पे जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अब देखो 2 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, और स्टूडेंट 4 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, इसका मतलब 2 किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, क्लियर है। स्टूडेंट देखो 3 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, है ना। पहले जी लेना स्टूडेंट, पहले जी से यूं चलेंगे, ध्यान देना, अगर एफ ओ एफ डॉट जी है तो जी से आप चलेंगे, गेटिंग माई पॉइंट नॉट, है ना। तो 3 2 पे जा रहा है, और 2 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 3 3 पे जाएगा, है ना। अब क्या होगा स्टूडेंट, 4 1 पे जा रहा है, और 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होगा ऑपरेशन, देखो यही आ रहा है, क्लियर है। अब बात करते हैं जी डॉट एफ, स्टूडेंट आपसे पूछा जाए कि जी डॉट एफ निकालो, तो भैया जी डॉट एफ में क्या करेंगे, पहले एफ की देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ जी डॉट एफ कैसे निकालते हैं, राइट। अब देखिए जी डॉट एफ कैसे निकालते हैं, है ना। अब जी और जी डॉट एफ है ना, तो देखिए यहाँ पे जी डॉट एफ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए अब देखते हैं, है ना, वही सेम 1 2 3 4 1 2 3 4 ऊपर लिख दीजिए, है ना। इसमें क्या हो रहा है, 1 2 पे जा रहा है, पहले आपको एफ से लेना फिर जी पे जाना, है ना। 1 2 पे जा रहा है, 2 4 पे जा रहा है, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, राइट। अब देखो 2 3 पे जा रहा है, और 3 2 पे जा रहा है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, अरे यार 2 2 यहाँ जा रहा ना, यहाँ पे यहाँ 2 3 पे जा रहा है, एंड 3 2 पे जा रहा है, तो अल्टीमेटली 2 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है ना। ऐसे देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 4 पे जा रहा है, और 4 1 पे जा रहा है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, 3 1 पे चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 4 1 पे जा रहा है, और 1 3 पे जा रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे 4 किस पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, राइट, 4 3 पे चला जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एफ डॉट जी है,
वो जी डॉट एफ के बराबर नहीं आ रहा है, क्लियर है? ये बराबर नहीं आ रहा है, गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट, दोनों बराबर नहीं आते हैं, मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आप बोलोगे सर कम्यूटेटिव कब होता है, तो इसके बीच में कम्यूटिविटी का जो रिलेशनशिप है मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव वाली बात कि जब प्रोडक्ट होता है ये कम्यूटेटिव कब होता है। तो सुनिए यहाँ पे जो हमारे पास बात करते हैं, हम जो एफ की बात कर रहे हैं और जी की बात करें, उनको लिखने का एक तरीका होता है और तरीका समझने की कोशिश करें। अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सुन देखिए यहाँ पे वन साइकिल देखिए आप वन टू पे जा रहा है ना, वन टू पे जा रहा है, देन टू थ्री पे जा रहा है, देन थ्री फोर पे जा रहा है एंड फोर वन पे जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वन टू थ्री एंड फोर, इसको ये एफ है, दिस इज एफ, राइट, दिस इज एफ है ना। अब जी देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, जी देखिए जी क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए वन थ्री पे जा रहा है, थ्री टू पे जा रहा है एंड टू फोर पे जा रहा है एंड फोर वापस वन पे जा रहा है। तो इसको हम इस तरह से, ये साइकिल होता है, इसको बोलते हैं साइकिल, राइट है ना। अब आप देखो ये दोनों जो परमुटेशन एफ और जी है ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, क्या रहे हैं, कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। और जब भी कॉमन एलिमेंट आते हैं मतलब वो डिसजॉइंट नहीं माना जाता है, और जब भी डिसजॉइंट नहीं होता है उस वाले केस में वो कम्यूट नहीं करता है ना, मतलब एफ डॉट जी जी डॉट एफ के बराबर नहीं होता। अगर ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं होते इन दोनों के अंदर है ना, तो ये कम्यूट कर जाता है। मैं बताऊंगा आप आगे समझ में आएगा आपको है ना, ये मैंने समझा दें आपको, इसमें मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे है ना, अब बात करते हैं यहाँ पे एफ एंड जू और मे बी वुमेन। अब देखो साइक्लिक परमुटेशन और साइकिल्स क्या होता है, इसमें साइकिल्स क्या होता है समझने की जरूरत है। मैंने अभी बताया वही साइकिल्स है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, इधर देखिए आप, जैसे मैं आपको बोलूँगी वन टू थ्री एंड फोर, राइट, ये जा रहा है आपके पास, ये जा रहा है टू थ्री फोर एंड वन। तो इसमें क्या होगा, देखो ये साइकिल बन रहा है, वन टू पे जा रहा है ना, वन टू पे जा रहा है, टू थ्री पे जा रहा है, थ्री फोर पे जा रहा है और फोर वापस वन पे जा रहा है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पर स्टूडेंट मैं आपको ऐसा बता दूं कि अगर मेरे सामने ऐसा लिखा हो, राइट, वन टू थ्री फोर, स्टूडेंट यहाँ पे टू टू पे जा रहा है, राइट, अब ये देखो ये थ्री पे जा रहा है, ये फोर पे जा रहा है और ये वन पे जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो टू टू पे जा रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो साइकिल बनेगा उसमें इस टू को नहीं लेंगे हम, है ना, यहाँ पे क्या है, वन थ्री पे जा रहा है, थ्री फोर पे जा रहा है एंड फोर वन पे जा रहा है, राइट। तो ये इसका साइकिल होगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये क्या होगा इसका साइकिल होगा, है ना, ये क्या होगा इसका साइकिल होगा, है ना। तो इसका साइकिल में क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये होगा, है ना, हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे पास ये आएंगे ना। तो वन थ्री फोर आएगा बिकॉज टू जो सेम टू सेम पे जा रहा है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं ना। तो वही देखो यहाँ पे, अ परमुटेशन सिग्मा ऑफ अ सेट एस इज साइकिल परमुटेशन और साइकिल इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सबसेट ऑफ दिस एस, इसका फाइनाइट सबसेट, ये इस पे जा रहा हो, अलग अलग एलिमेंट पे जाना चाहिए, है ना। इफ एक्स एक्स पे जा रहा है, अगर वो एक्स एक्स पे जा रहा है ना, सेम सेम पे जा रहा है ना, एंड एक्स बिलोंग्स टू एस, देन ये जो हमारे पास x है ये साइकिल में नहीं आना चाहिए, ये ध्यान देने के, मतलब 2 इस साइकिल में नहीं लिख सकते आप, है ना, देन वी कैन राइट द साइकिल परमुटेशन दिस, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, वही मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो सेम इमेज में जाएगा उसको हम साइकिल में नहीं लिखते। एग्जांपल तौर पे समझाना चाहता हूं, जैसे ये दे रखा आपको यहां पे स्टूडेंट, क्या और देखो आप, 1 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है ना, देन 4 किस पे जा रहा है स्टूडेंट, 2 पे जा रहा है, अरे यार ये इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है एंड 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है ना, टू किस पे जा रहा है, वन पे जा रहा है, मतलब रोक दीजिए। अब देखो थ्री थ्री पे जा रहा है, तो इसको साइकिल में नहीं लिखेंगे, तो ये इसका क्या होगा, साइकिल होगा, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें इसको हम सर्कल के थ्रू भी समझ सकते हैं, यहाँ देखिए आप लिख दीजिए वन है ना, ये टू है, सॉरी मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको ऐसा भी लिख सकते हो, साइकिल में भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा टू, ये आ जाएगा थ्री और ये आ जाएगा फोर। तो देखो वन किस पे जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे वन किस पे जा रहा है, वन किस पे जा रहा है, फोर पे जा रहा है, ये फोर पे चले जाएगा, है ना, ठीक है। या आप इसको ऐसा भी बना, ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको जैसे लिखा हो वैसे लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। चलो एक काम करो, बेटर ये वाला समझ लो, मुझे लगता है साइकिल वाला सर्कल वाला कन्फ्यूजन होगा, तो बेटर ये समझ लीजिए, वन फोर पे जा रहा है, फोर टू पे जा रहा है एंड टू वन पे जा रहा है। आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट, जो सेम टू सेम जा रहा है उसको नहीं लिखना है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ क्या दे रखा है, टू फोर फाइव सिक्स विद द साइकिल, अगर आपको ये दे रखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, टू फोर पे जा रहा है, टू फोर पे जा रहा है, फोर फाइव पे जा रहा है और फाइव सिक्स पे जा रहा है ना, एंड सिक्स टू पे जा रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, वन नहीं आ रहा और थ्री नहीं आ रहा, इसका मतलब वन वन पे जा रहा है और थ्री थ्री पे जा रहा है, ये समझने की जरूरत है। अगर ऐसा दे रखा तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, क्लियर है, और आपको अगर इस टाइप से देखा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वन और थ्री इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम इसको ऐसा लिखते हैं ना, तो वन वन पे जाएगा और थ्री थ्री पे जाएगा, तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें लेंथ ऑफ साइकिल, अब लेंथ ऑफ साइकिल क्या होता है समझने की जरूरत है ना, एक तो लेंथ ऑफ परमुटेशन होता है, एक लेंथ ऑफ साइकिल होता है, दोनों चीज समझने की जरूरत है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द साइकिल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ साइकिल। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, चार एलिमेंट, तो इसका लेंथ ऑफ साइकिल कितना होगा, चार होगा, है ना, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ तो छः है, अरे भाई वन वन पे जा रहा, थ्री थ्री पे जा रहा, जो सेम टू सेम जा रहा है उसको नहीं लेना है, उसके अलावा वो हमारा क्या हो जाएगा, साइकिल हो जाएगा ना, लेंथ ऑफ साइकिल। तो इसकी साइकिल की लेंथ कितनी होगी, फोर होगी, राइट।
तो वही यहाँ पे है ना, जैसे 1 2 3 पे, देन द लेंथ ऑफ साइकिल इज 4. इफ द लेंथ ऑफ साइकिल इज आर, देन इट इज कॉल्ड आर साइकिल. अब एग्जांपल देखो, ये 4 साइकिल होगा, इसको क्या बोलेंगे, 4 साइकिल. एग्जांपल देखिए आप, 2 4 5, ये क्या होगा, 3 साइकिल होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट है इसके अंदर, है ना. ठीक है, द लेंथ ऑफ आइडेंटिटी परमुटेशन इज, स्टूडेंट हमारे पास जो आइडेंटिटी परमुटेशन है उसकी लेंथ हमेशा क्या होती है, 1 होती है. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, इधर देखो ये 1 1 1 पे जा रहा है, राइट. आप देखोगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, 1 1 पे जाएगा, है ना. आइडेंटिटी परमुटेशन में क्या होता है, 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, है ना. 1 1 पे जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, 4 4 पे जाएगा, हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी साइकिल क्या होगी, पर एक 1 ही होगी यहाँ पे, है ना. कोई एलिमेंट किस पे जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे. और आइडेंटिटी क्या, लेंथ क्या होता है, 1 होता है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है. स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ साइकिल, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्या बोला था, वहाँ पे आपको था यहाँ पे लेंथ ऑफ साइकिल. अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ साइकिल क्या होता है. स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ साइकिल का मतलब ये होता है कि हम कितनी बार उसको आपस में मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी देते, राइट. जो भी हमारे पास, जैसे ये हमारे पास दे रखा है, राइट, हमारे पास ये दे रखा है, जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पे, है ना. इससे जस्ट पहले वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं ना, क्या जरा 2 4 5 6, राइट, इसी को ले लेता अपन ना, 2 4 5 6, है ना. मैं ले लेता हूँ, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास ये परमोटेशन है ना, क्या दे रखा है, 2 4 5 6, है ना. मैं लिख देता हूँ, ये परमोटेशन दे रखा है 2 4 5 6, गेटिंग माई पॉइंट ऑफ. इसका मतलब 1 1 पे जा रहा है ना, पहले इसको लिख लेते हैं ना, स्टूडेंट यहाँ पे कह रहा है 1 2 3 4 5 6, इसको लिख लेते हैं अपन, ये आ रहा है, ये जाएगा 2 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, एंड 5 किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, एंड वापस 6 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है ना. तो ठीक है, 6 2 पे जा रहा है, ये आएगा हमारे पास, गेटिंग माय पॉइंट. अब देखो 1 1 पे जा रहा है और 3 3 पे जा रहा है, क्लियर. अब देखो आपको इसका लेंथ निकालना है, लाइक ऑर्डर ऑफ साइकिल निकालना है, इसका साइकिल का ऑर्डर क्या है, राइट. तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे, आप एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी 2 का कितना होगा, 4 होगा, राइट. अगर हम इसको वापस देखें, 4 की इमेज, स्टूडेंट 4 की इमेज कितनी हो रही है हमारे पास, 4 की इमेज कितनी हो रही है, 5 हो रही है ना. तो आप दो बार लगाएंगे, लाइक सिग्मा इंटू सिग्मा 2 लगाएंगे, तो स्टूडेंट कितना आएगा, 5 आएगा, गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट. अब वापस 3 बार लगाएं, अगर वापस इसमें सिग्मा लगा दूं मैं, है ना, लाइक एक और बार सिग्मा लगा दूं यहाँ पे, एक और बार सिग्मा लगा दूं, सिग्मा 5 की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट हमारे पास, 6 आ जाएगी, है ना. पर जब तक 2 नहीं आए, वापस रिपीट नहीं करें, है ना, एक बार और सिग्मा लगा दो वापस, इसमें एक और बार सिग्मा लगा देंगे तो ये सिग्मा 6 हो जाएगा, और सिग्मा 6 हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, राइट. तो इसमें आप क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, है ना. मतलब यहाँ पे जब इसको 4 बार अगर आप वापस आपस में 4 बार प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी. इसलिए यहाँ पे जिसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर ऑफ साइकिल निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना. अ लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑर्डर ऑफ साइकिल, जो भी साइकिल की लेंथ होती है वो इसका ऑर्डर होता है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना. जैसे मैं आपके सामने बोला था यहाँ पे कि अभी इसका था 2 4, क्या था यहाँ पे, 2 4 5 6 था ना, हाँ 2 4 5 6 है ना. तो भैया ये इसकी, इसका लेंथ कितना था, 4 था, तो वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, है ना. वो तक समझाने के बताया मैंने, बट अल्टीमेटली आपको इसी तरीके से याद करना है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है ना. जितना भी लेंथ होगा साइकिल का वही उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको जानते हैं 3 4 5 6, तो स्टूडेंट जानते हैं इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3 है, 3 लेंथ का है साइकिल है, तो इसका ऑर्डर भी कितना होगा, 3 होगा, गेटिंग माय पॉइंट. स्टूडेंट इनवर्स ऑफ साइकिल क्या होता है, स्टूडेंट इनवर्स ऑफ साइकिल क्या होता है, कोई भी अगर आपको साइकिल दे रखा है 2 4 3 5, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसको उल्टा लिख दो, 5 3 4 4 2, है ना. क्या करो, इसको उल्टा लिख दो, लाइक 5 3 4 2 है. इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको लिखूं यहाँ पे, मैं एग्जांपल तौर पे समझाता, एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट. इसमें यहाँ देखिए आप, हमारे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 and 6 ले लीजिए आप, यहाँ पे इतना ले लीजिए, है ना, ठीक है. अब आपको इसका इन्वर्स निकालना है ना, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सा 5 तक ले जाता हूँ, ज़्यादा दूर ले जाने की जरूरत नहीं है, है ना. अब आपको इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना, राइट. तो हम जानते हैं हमारे पास क्या हो रहा था, देखो 2 4 पे जा रहा था, है ना, 4 किस पे जा रहा था, 3 पे जा रहा था, और 3 वापस किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, एंड 5 वापस किस पे जा रहा है, 2 जा रहा, तो ये 1 1 पे जा रहा है, राइट. ये अब उसका इन्वर्स निकालना है, स्टूडेंट इन्वर्स निकालना, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे, गेटिंग माय पॉइंट ऑफ नॉट, है ना. ये इसको उल्टा कर दीजिए आप, इसको उल्टा कर दीजिए तो भी हमारा आ जाएगा, लाइक 1 4 5 3 2 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा. ऐसे भी आप कर सकते हैं, है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 4 5 3 and 2, एंड देन ये नीचे आ जाएगा, तो क्या जाएगा, 1 2 3 4 5. इसको आप इस थोड़ा सिस्टमेटिक जमा दीजिए, 1 2 3 4 5, है ना, ऐसा लिखेंगे. तो सुनिए यहाँ पे क्या जा रहा है, देखो 1 1 पे जा रहा है ना, 2 किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, एंड देन सुनिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, 2 5 पे जा रहा है, एंड नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे 3 3 किस पे जा रहा है स्टूडेंट, 4 पे जा रहा है, एंड 4 हमारे पास कितना जा रहा है, 2 पे जा रहा है, एंड 5 हमारे पास कितना जा रहा है स्टूडेंट, 3 पे जा रहा है. अब इसको लिखेंगे आप, क्या स्टूडेंट यहाँ पे 2 5, देन यहाँ पे कितना आएगा, 3 4, राइट. तो ये हमारा क्या होगा, इसका
साइकिल होगा, है ना। तो इस तरीके से आप हम इसको निकालेंगे, है ना। लाइक ये 5 3 4 2 हो जाएगा, बात बराबर ही आगे पीछे हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम इन्वर्स निकालते हैं ना, इसको उल्टा कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए आप क्या करेंगे, वैसे इसका रिवर्स कर दो ऑर्डर, है ना। ऑर्डर रिवर्स करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, 5 3 4 2 हो जाएगा, गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल। डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, इफ टू साइकिल्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट नहीं हो, जैसे ये साइकिल है ये साइकिल, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट, तो इनको क्या बोलते हैं, हम डिसजॉइंट साइकिल्स बोलते हैं, राइट, है ना। कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है ना, 1 2 3 4 है, 1 2 4 है, 3 5, राइट। तो अब जब भी हम बात करते हैं डिसजॉइंट साइकिल, जब भी हमारे पास डिसजॉइंट साइकिल होता है तो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल जो होता है हमेशा वो क्या होता है, कम्यूट करता है। मैंने आपको बताया था जब भी प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल होता है वो हमेशा क्या करेगा, कम्यूट करेगा। आप एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमने कोई एलिमेंट लिया यहाँ पे, लाइक एक्स जो है वो इस पे नहीं है, इसमें जा रहा है ना, तो ये कॉमन एलिमेंट है। तो आप देख रहे हो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, राइट। तो जब कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा और आप यहाँ पे करेंगे तो इसकी वैल्यू सिग्मा 1x आएगी, और जब इसको लेंगे तो इसकी वैल्यू भी सिग्मा 1x आएगी। आप देख रहे हो दोनों बराबर आएगा, इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। और सीधा याद रखिए जब भी दो डिसजॉइंट साइकिल होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल देख लीजिए आप, ये आपको दे रखा 3 4 6 और ये दे रखा 1 2 3 1 2 5। 3 4 6 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 3 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे। आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना, आपको सिग्मा पहले लिखना है और रो बाद में लिखना, राइट। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे दिया आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे आप इसका वापस रिवर्स ऑर्डर निकालेंगे तो ये दोनों क्या आएंगे, सेम आएगा। मुझे लगता है इसको आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको सिग्मा और रो निकाल के बताता हूँ, सिग्मा रो तो निकाल रखा है, मैं रो सिग्मा बताता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है ना, ये रो सिग्मा बताता हूँ, राइट। रो सिग्मा देख लीजिए स्टूडेंट, रो हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमारे पास रो दे रखा है, राइट। तो रो कितना दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, एंड 4 6 पे जा रहा है, एंड 6 किस पे जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 पे जा रहा है, एंड देन 5 5 पे जा रहा है, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 1 2 5 आएगा, राइट। तो देखिए आप 1 2 3 4 एंड 5, राइट, एंड 6 भी आएगा बिकॉज यहाँ 6 का लेंथ का है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 1 2 पे जा रहा है ना, 2 5 पे जा रहा है, एंड 5 वापस किस पे जा रहा है स्टूडेंट, 1 पे जा रहा है, राइट। तो ये 3 3 पे चला जाएगा, 4 4 पे चला जाएगा, 6 6 पे चला जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट इसका हम मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6, स्टूडेंट 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, एंड 2 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो स्टूडेंट ये 2 पे जाएगा, राइट। स्टूडेंट क्या हो रहा है, 2 5 पे जा रहा है और 5 5 पे जा रहा है, तो स्टूडेंट किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 3 3 पे जा रहा है और 3 वापस 4 पे जा रहा है, 4 पे जाएगा। स्टूडेंट 4 4 पे जा रहा है और 4 6 पे जा रहा है, 6 पे जाएगा। स्टूडेंट 5 1 पे जा रहा और 1 1 पे जा रहा है, 1 पे जाएगा। स्टूडेंट 6 6 पे जा रहा और 6 3 पे जा रहा, तो यार देखो आप बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है ना, आप देख रहे हो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। एवरी परमोटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। स्टूडेंट कोई भी परमोटेशन उसको हम डिसजॉइंट साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, है ना, अभी क्या हो रहा है स्टूडेंट, 1 2 पे जा रहा है एंड 2 1 पे जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 4 पे जा रहा है, 4 1 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, ठीक है ना, एंड 5 6 पे जा रहा है और 6 3। तो देखो एक साइकिल तो यहाँ बन रहा है और एक साइकिल यहाँ बन रहा है, तो इन दोनों को इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो डिसजॉइंट साइकिल है ना, तो किसी भी परमोटेशन को हम दो डिसजॉइंट साइकिल के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूँ, राइट। ये दे रखा 1 2 एंड 2 1 और यहाँ पे आपको दे रखा 4 एक और एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे ये जा रहा है, मान लीजिए 3 4 पे जा रहा है एंड 4 3 पे जा रहा है, राइट। ये एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा 1 2 आएगा, एक तो 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, और एक क्या आ रहा है, 3 4 आ जाएगा, राइट। तो इसको इस तरीके से हम डिसजॉइंट साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ परमोटेशन क्या होता है। स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ परमोटेशन क्या होता है, वी नो दैट द परमोटेशन कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। स्टूडेंट जो भी हमारे पास परमोटेशन देखा उसको हम डिसजॉइंट साइकिल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट एफ बी द परमोटेशन, तो जो भी उसका ऑर्डर ऑफ परमोटेशन होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, उसका जो एलसीएम होता है ना, डिसजॉइंट साइकिल का जो एलसीएम होता है वो उसके ऑर्डर के बराबर होता है। एग्जांपल लेते हैं हम स्टूडेंट यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने ये लेता हूँ, राइट। देखा ये हमारे पास देखा इस एग्जांपल को समझते हैं हम, तो इससे आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपसे बोला जा रहा है ये, है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास परमोटेशन है ना। सबसे पहले अगर आपको इसका ऑर्डर निकालना हो, ऑर्डर ऑफ परमोटेशन बोले, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इस तरह से हम डिसजॉइंट साइकिल में लिखेंगे 1 2 एंड 3 4 5 6, राइट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं इसका जो ऑर्डर है ना वो क्या होता है स्टूडेंट, 2 है, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है स्टूडेंट, 4 है। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, इन दोनों का क्या निकालो आप, एलसीएम निकालो, राइट। तो इसका एलसीएम हम जानते हैं कितना होता है स्टूडेंट, 4 होता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास परमोटेशन है इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 4 होगा, राइट। तो जो भी परमोटेशन अगर आपको उसका ऑर्डर निकालना है तो क्या करेंगे आप, उसको डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनका जो डिसजॉइंट साइकिल का जो लेंथ है उसका एलसीएम निकालेंगे, तो वो जो आएगा वो आपका क्या आएगा,
ऑर्डर ऑफ परमोटेशन आएगा, राइट। वही चीज समझा रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है एलसीएम ऑफ 2.4, तो 4 उसका एलसीएम आ जाएगा, राइट। द एनी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। स्टूडेंट, कोई भी हमारे पास साइकिल है जिसकी लेंथ 2 है ना, तो वो क्या होता है, ट्रांसपोजिशन। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ये बोल रखा है 1.2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, राइट, है ना। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन। स्टूडेंट, जो भी हम जानते हैं, मैंने बोला कि किसी भी ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा 2 होता है। एवरी ट्रांसपोजिशन इज सेल्फ इनवर्स, स्टूडेंट, वो खुद का इनवर्स होता है, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है। एवरी परमोटेशन इज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। स्टूडेंट, कोई भी परमोटेशन होता है, एवरी परमोटेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, हम किसी भी परमोटेशन को हम ट्रांसपोजिशन के रूप में दो में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास ये ट्रांसपोजिशन दे रखा है, ये हमारे पास परमोटेशन दे रखा है, उसको कैसे लिखेंगे, A1A2, फिर A1A3, फिर A1A4, ऐसे लाइक अलग अलग एलिमेंट के साथ उसको हम प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तौर के समझाना चाहता हूँ, जैसे आपको दे रखा है, राइट, हम जानते हैं ये हमारे पास 1 किस पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है और 5 1 पे जा रहा है, तो एक साइकिल तो ये हो गया। इसमें क्या जा रहा है, 2 6 पे जा रहा है एंड 6 3 पे जा रहा है एंड 3 वापस किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, तो एक साइकिल ये हो गया। इसमें 7 8 का एक साइकिल ये हो गया। अब आपसे इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या होगा, इसमें ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है ना, क्या आएगा, 3 3 2, तो इसका जो एलसीएम आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, 6 आएगा, राइट। तो 6 तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ परमोटेशन हो जाएगा। अब आपको इसको ट्रांसपोजिशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखो ये 1 4 को एक साथ लिखना है, फिर 1 5 को एक साथ लिखना है, 2 6 एंड 2 3 स्टूडेंट, 7 8, राइट। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल होता है जिससे हम इसको लाइक पूरा ट्रांसपोजिशन जो हमारे पास परमोटेशन था उसको हमने क्या लिख दिया, ट्रांसपोजिशन में लिख दिया, मतलब लेंथ ऑफ 2 साइकिल के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इन्वर्जन। अब स्टूडेंट इन्वर्जन क्या होता है, इफ सिग्मा बी द परमोटेशन देन द पेयर i, j, हमारे पास ऐसा पेयर है, इज एन इन्वर्जन फॉर सिग्मा इफ सिग्मा आई इज ग्रेटर देन सिग्मा जे। स्टूडेंट, सिग्मा आई जो है वो क्या होना चाहिए, सिग्मा जे से बड़ा होना चाहिए। जब आप बोलोगे सर ये क्या जादू कर रहे हो, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे 1 2 पे जा रहा, 2 4 पे जा रहा, 3 1 पे जा रहा, 4 3 पे जा रहा, 5 6 पे जा रहा और 6 5 पे जा रहा, राइट। अब आप देखोगे स्टूडेंट 1 है ना, आप देख रहे हो 1 क्या हो रहा है, 1 जो है वो 3 से छोटा है, आप देख रहे हो 1 3 से छोटा है, क्लियर है। पर जो 1 की इमेज है स्टूडेंट, 1 की इमेज क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है, 1 की इमेज क्या आ रही है हमारे पास, 2 आ रही है, और 3 की जो इमेज है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन्वर्जन हो जाएगा, क्लियर है। कि ये इससे क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, पर स्टूडेंट उसकी जो इमेज है वो उससे क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट, जैसे 2 है, 2 देखो आप 2 और 4 को कंपेयर करो स्टूडेंट, 2 और 4 को कंपेयर करो, है ना। तो हम जानते हैं 2 जो है वो 4 से छोटा है, पर इसकी जो इमेज है, ये इमेज वो क्या आ रही, बड़ी आ रही, ये इन्वर्जन हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसे ही आप देखो 2 और 3 को देख लो, है ना, ये 2 और ये 3 को देख लो, ये देखो 2 3 से बड़ा होता है, छोटा होता है, 2 छोटा होता है 3 से, पर इसका जो इमेज है 4 1 से बड़ा रहा, है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। देन द पेयर ऑफ 1 3 2 4 2 3 5 6 ऑल कॉल इन्वर्जन, है ना। तो ये इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट है हमारे पास, है ना, वो एलिमेंट उससे छोटा है पर उसकी जो इमेज है उसकी बड़ी आ जाए, राइट, है ना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 और 2, है ना, 1 और 2 की बात करें, राइट। एक एग्जांपल और मैं आपको थोड़ा शांति से समझाता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको यहाँ पे। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, मैं बात करता हूँ 1 और बात करते हैं 3 के बारे में, राइट। अब आप देख रहे हो कि 1 जो है वो 3 से छोटा है, पर स्टूडेंट जो F1 की इमेज है वो क्या हो रही है, 3 की इमेज से क्या हो रही है, बड़ी आ रही है, ये इन्वर्जन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे इसकी इमेज कितनी आ रही है, 2 आ रही और ये 1 आ रही, विच इज इनवर्स, राइट। सो ये हमारे पास इनवर्स होगा। तो अब ध्यान दीजिए कि किसी भी परमोटेशन के अंदर जो नंबर ऑफ हमारे पास एलिमेंट आते, पेयर आते हैं, है ना, जो इनवर्जन टाइप के हैं, वो हमारा क्या होता है, सिग्नेचर होता है। सुन, ये हमारा क्या होता है, सिग्नेचर। द टोटल नंबर ऑफ सच इनवर्जन फॉर द परमोटेशन सिग्मा इज कॉल्ड सिग्नेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं और ये इसका क्या होता है, सिग्नेचर होता है। तो यहां पे 5 ऐसे पेयर होंगे जो इन्वर्जन देंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिग्नेचर इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें बात करते हैं इवन एंड ऑड परमोटेशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद मैं आगे बताऊं, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इस टॉपिक का। सो परमोटेशन इज एस इज कॉल्ड इवन ऑड इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन एंड ऑड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे बोलूंगी 1 2 3 4 5, राइट। अब आप देखेंगे इसका ट्रांसपोजिशन क्या आएगा, 1 2, फिर क्या आएगा, 1 3, फिर क्या आएगा, 1 4, फिर क्या आएगा, 1 5। स्टूडेंट ये हमारे पास कितने ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, 4 ट्रांसपोजिशन आ रहा है। पर आप देखोगे इसकी लेंथ कितनी है, 5 है। स्टूडेंट इसकी लेंथ 5 है पर ट्रांसपोजिशन कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे। बड़ी अच्छी चीज याद रखने की जरूरत है ना, लेंथ 5 है पर ट्रांसपोजिशन कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, राइट। इवन ट्रांसपोजिशन देन इवन परमोटेशन, क्लियर। अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसपोजिशन, जैसे इसके ट्रांसपोजिशन कितने आ रहे, इवन आ रहे, मतलब ये इवन परमोटेशन का ग्रुप माना जाएगा, मतलब इवन परमोटेशन ग्रुप की बात तो नहीं कर रहे हैं, अपन इवन परमोटेशन की बात करेंगे ना। अ साइकिल ऑफ लेंथ एन इज कॉल्ड इवन और ऑड इफ एन इज ऑड और इवन, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर हमारे पास साइकिल इवन का है ना,
तो हमारे पास परमोटेशन क्या आएंगे, ऑड आएंगे, और अगर साइकिल ऑड है तो परमोटेशन क्या आएंगे हमारे पास, इवन आएंगे। ये याद रखने की जरूरत है ना। अब देखो फाइव साइकिल इज ए इवन परमोटेशन है ना, बिकॉज यहाँ पे हम जानते हैं इसके ऑड परमोटेशन, फोर परमोटेशन होंगे राइट, है ना, फोर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे, सॉरी फोर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन होंगे राइट। अब फोर साइकिल की बात करते हैं, देखो फोर साइकिल में क्या आएगा, वन टू आएगा, वन थ्री आएगा एंड वन फोर आएगा, सुनिए यहाँ पे कितना आएगा, तीन ट्रांसपोजिशन आएगा, तो ये ओड परमोटेशन कहला जाएगा ना, क्योंकि इसके तीन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, अगर ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है तो वो ओड परमोटेशन कहलाता है, अगर इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है तो वो इवन परमोटेशन कहलाता है। स्टूडेंट जब हम बात करेंगे, हम डिफाइन करेंगे ए एन को, है ना, लाइक अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है हमारे पास, दैट इज इवन परमोटेशन का जो ग्रुप होता है उसको डिफाइन करेंगे, वहां पे बहुत जरूरी जरूरत पड़ने वाला है, तो आप ध्यान रखिए, है ना। आइडेंटिटी परमोटेशन जो होता है वो इवन होता है स्टूडेंट, ये याद रखने की जरूरत है। आइडेंटिटी परमोटेशन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इवन होता है। एवरी परमोटेशन इज एन ऑड परमोटेशन, एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परमोटेशन, है ना। हर ट्रांसपोजिशन जो होता है वो क्या होता है, ऑड। ऑब्वियसली यार मेरी बात सुनो, ये 2.4 है, ये एक ट्रांसपोजिशन है, एक ही तो ट्रांसपोजिशन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये ओड हो जाएगा, क्योंकि एक ही, अगर इसमें दो ट्रांसपोजिशन हो जाए, मैं आपसे बोलूँगी 4, लाइक क्या बोले, नैट 4 ले लो यहाँ पे, 3.7 ले लो या 3.2 ले लो, 3.4 ले लो, 3.5 ले लो बेटर ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दो ट्रांसपोजिशन आ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन ट्रांसपोजिशन, इवन परमोटेशन हो जाएगा, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परमोटेशन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमोटेशन इज एन इवन परमोटेशन। स्टूडेंट कोई भी हमारे पास दो जो है इवन, देखो ये आप बोलोगे सर तो ऑड है, अरे भैया इसका ट्रांसपोजिशन इवन आएगा, है ना, ट्रांसपोजिशन इवन आएगा, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, इवन परमोटेशन है और ये भी इवन परमोटेशन है, और जब इवन परमोटेशन को इवन परमोटेशन से आप प्रोडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये इवन परमोटेशन आएगा, क्योंकि इसके अंदर फाइव एलिमेंट आ रहा है, याद है इसका ऑर्डर फाइव आ रहा है, और ऑर्डर फाइव है तो यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन आएंगे वो कितने आएंगे, फोर आएंगे, तो इवन आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमोटेशन इज इवन परमोटेशन। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जब हम ए एन की बात करेंगे वहाँ पे बड़ा काम पड़ने वाला है, आपको पता लगाना पड़ेगा कि इवन जो भी हम एस थ्री को डिफाइन करेंगे तो फिर ए थ्री को डिफाइन करेंगे, एस फोर को डिफाइन करेंगे, ए फोर को डिफाइन करेंगे, वहाँ पे ये बहुत जरूरत। तो क्या हो रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू ओड परमोटेशन इज इवन परमोटेशन। कोई भी हमारे पास दो ओड परमोटेशन है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा इवन परमोटेशन आएगा, है ना। आराम से आप देख सकते हो, अगर हमारे पास यहाँ बोलूँ मैं कि 1.2 है एंड ये देखा 3.4 राइट, अब आप देखो ये क्या रहा हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओड परमोटेशन है। मैं एक एक की बात कर रहा हूँ, ये ओड है और ये ओड है ना, पर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इवन इवन आएगा, बिकॉज दो एलिमेंट आ जाएंगे ना। सो देखिए सी द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ओड परमोटेशन इज ओड परमोटेशन। स्टूडेंट यहाँ पे इवन नहीं है, इसकी जगह क्या आएगा, ये ओड आएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड रो इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो समझाते हैं सिग्मा इवन है और रो यहाँ पे क्या है, ओड है, पर जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, ओड परमोटेशन आएगा राइट, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। सो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो मैंने आज आपको परमोटेशन के बारे में इतना सारा ज्ञान दिया तो वो आपको याद होगा और याद रहेगा आगे जो, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन देना जरूरी था ताकि मैं आगे जो क्लास लेने वाला हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट परमोटेशन के अंदर में काफ़ी जो बच्चे बीएससी या एमएससी की तैयारी करें उनके लिए तो ठीक है, साथ में कंपटीशन का जो फ्लेवर है वो भी देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको थोड़ा सा वो भी समझ में आए कि कैसे हम लोग S1, S2, S3 के अंदर जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर निकालते हैं, देन क्लास इक्वेशन लिखते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन ग्रुप के बारे में बात करेंगे अपन और नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ परमोटेशन के अंदर, है ना। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरी प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं CSIR नेट के जो एप्टीट्यूड पार्ट है उसकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट ये मेरे ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। स्टूडेंट मेरे दोनों चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए, स्टूडेंट ये मेरा पुराना चैनल जिस पर मैं भी काम कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।